तो भाई लोग कैसे हो, स्वागत है एक और टेकन 7 की नए गेम प्ले वीडियो में। सो लास्ट एपिसोड में अकुमा वर्सेस हियाची हुआ था। सो जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकता है, बट जिन्होंने देखा है हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम बढ़ते हैं सीधा इस एपिसोड की तरफ क्योंकि हम मुझसे भी और वेट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हमारा 9th चैप्टर प्लान ई। तो हमारा नरेटर दोबारा से बातचीत शुरू कर चुका है, तो हम शांत हो जाते हैं और इसकी बातें सुनते हैं। It was then that I received an email from Lee himself, saying he wanted to introduce me to someone who was well-versed in the Mishima Zaibatsu's affairs. At last, my investigation was back on track. The email concluded with a name I'd yet to come across. Lars Alexanderson.三島財閥から離脱した反乱軍を密かに支援していてね。各地にこのような施設を提供しているのさ。止まれ。やれやれ。スポンサーに。というエピソードもうじゃ、楽しみ。ファイトするのね、あれ。相変わらず物騒だな。と、もうじゃ、楽しみ。カフェ、ジャルディ、ファイトするのね、あれ。リーバーセル、ラーソルスに、ゴリアに、チェック、グリ、バイ、マーリスカ、ムート。チェロ、できてん、キャー、ホーリー、バッチ。モスコ、ノートルか。 ये टेकन के नाम पे क्या शुरू कर रहे हैं भैया? मुझे इनके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। चलो ठीक है, ओ हमारे हियाची अपनी फौज लेकर आ गया। वैसे हियाची तो लास्ट टाइम तोड़ दिया गया था अकुमा द्वारा, मैंने ही मारा था वैसे। तो ये नीना ही आ गया आई थिंक। हमारा जिन भी पड़ा है कहीं अकुमा। अच्छा जिन ये पड़ा, भाई साहब बॉडी क्या ही गजब है इसकी। खैर हम ये सब बातें नहीं करते, मेरे पास नहीं है यार। एक तो ये बातें इतनी करते हैं, वो भी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में। अगर सबटाइटल्स ना हो तो भाई आदमी पागल हो जाए। खैर हम इनकी बकवास ही सुनते हैं बैठकर, जब तक फाइट नहीं शुरू होती। ओके, तो अब बंदे आ गए हैं, अब फाइट शुरू होगी। ये क्या भाई, स्मोक डाल लेते क्या? फेंक है। चलो मारपीट देखने का मौका मिल गया हमें। लड़की से बड़ी तो गोली थमा दी गई उसको भाई, कायदे से चलाई। कवर टू कवर खेलने बंदे पबजी में एक्सपर्ट हैं ये, मुझे लगता है। ये यहाँ छुप कर क्या कर रही भाई, तू भी लड़ चल के। अबे ये कैसे है, ये अकेले ही मार रही है लड़की, इनके इतने रोबोट कुछ नहीं उखाड़ पा रहे उसको। अब आएगी नीना, ये बात। अब देखते हैं हमें फाइट किसकी। ओ तो मुझे ये रोबोट लड़की बना दिया गया है। अब नीना की कुटाई होने वाली बहुत बुरी भाई साहब, ये मुझे बहुत सही लगता है। मैं कोई फायदा नहीं मुझसे, नहीं मुझे लगता है जीत सकती है ये। ये कौन सी बिजली चमका ली इसने, थप्पड़ मार रही है लड़की मुझे। खोपड़ी खा तू मेरी। भाई साहब उठने तो दे, सॉरी बहन जी। अगर रुक जा ना और क्या लड़ रही है भाई, ये गिर ज्यादा रही है। पेट दर्द दे दिए, पेट दर्द दे दिए इसने मुझे, मैंने पता नहीं क्या ही बोल दिया उसको। अब उसकी खोपड़ी वैसे ही टूट रखी है, कोई फायदा नहीं है। It was at this moment that he knew he fucked up. चलो अब उस लड़की की तो ऐसी तैसी हो ही गई, अब देखते हैं नीना क्या करती है। आई थिंक ये तो जिनको बचाने ही आई होगी, क्योंकि ये कौन टूट पड़ा भाई, मुझे लग अच्छा ये शायद दिसी गए। ओ भैया ये लड़की कैसे बच गई,
अब मैं इसके ऐसी तैसी कर दूंगा। इसने पिछली बार मेरे ऊपर नेट फेंका, आप फेंक के दिखा नेट, तू औरत बूढ़ी बूढ़ी ना। वैसे ये मारेगी तो बहुत मुझे, अगर ये आ जाए औकात पर। अगर मैंने मीडियम मीडियम हार्ड लगाया होता तो ये मेरा मुंह तोड़ के पता नहीं कहाँ फेंक देती। उसके पैर पे मार दिया मैंने। ये कौन सी पावर मार दी दीदी ने? जा तेरी, तो मैं चटनी बना के रहूंगा आज। ये पोपट किसने बना दिया इस लड़की को? ये हरा लाल, अच्छा अच्छी खासी ड्रेस थी इसके पास, पता नहीं कौन सी पहनी थी लास्ट टाइम, बट थी वो सही। अरे थोड़ी बची रुक, और गोसे लात खा ले मुझसे। ये कैसी दीवार थी भाई, ट्रांसपेरेंट भाई, थोड़े से खून में मार देगी क्या मुझे? रुक गया बहन की, मर जा मर जा मर जा, मर गई भाई साहब। उठा ले जा जिनको, अबे तो ये तो जिनको ही बचाने आई ना भाई। ली भैया हमारे वहां चढ़ गए। तो एक्चुअली में दिक्कत है क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसको चाहिए जिन, ओ भैया अगर नीना मर गई मैं कसम से बता रहा हूँ मैं गेम डिलीट कर दूंगा। ये एक ही तो अच्छा चेहरा है इसमें, उसमें को भी मार दो तुम लोग, खत्म कर दो। हमारा नरेटर दोबारा अपनी बकवास शुरू कर चुका है, देखते हैं। ジン、お前にはまだやってもらわなければならないことがある。こんなところで終わらせるわけにはいかないんだ。What do they hope to achieve by sheltering Jean? तो चलो आखिरकार हमारी जीना, सॉरी नीना जिंदा है, जिससे मुझे बहुत काफ़ी खुशी मिली है अंदर से। बाकी हम देखते हैं बाहर से क्या होता है। क्या तो हमारा 10वां चैप्टर, आई थिंक लास्ट वाला एपिसोड हमारा 11 था, सॉरी चैप्टर, शायद ये घट रहे हैं धीरे धीरे, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट हटाओ। The sterile air of Violet Systems, where he and Lee were holed up together. Lars explained to me that he was Heihachi's illegitimate child. Heihachi had fathered him to cast aside all doubt that he had the devil gene in his blood. Lars existed solely for that purpose. I could barely contain my excitement at not only meeting a blood relative, but also at learning this revelation. While Lars and Lee conversed, I overheard something that shocked me. Jin Kazama had been found. Jin Kazama, Kazuya's son and Heihachi's grandson. Okay, so Jin Kazama, Kazuya ka ladka, mujhe aaj tak pata nahi kyun lagta tha wo dono bhai hain. Jin had put the pata nahi mujhe kisne ye story bata di thi. Khair, ab mera clear ho gaya. Then, as if finally putting his feelings into words, Lars muttered. भाई साहब ये यार ये आदमी कितना बोलता है भाई, मैं परेशान हो गया हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर काफी सारी लाशें पड़ी हैं गंजैक की, तो शायद अब फाइट हो जाए मुझे लगता है, वरना उसके बोलने से तो भाई मैं परेशान ही हो गया था कसम से।
अरे यार ये आदमी दोबारा मुंह खोल चुका है अपना, चलो देख ही लेते हैं। ओके शायद हमारे हीआईची की दोबारा एंट्री होने वाली है। हाँ इसी में मुंह फाड़ दिया गया था इसका, फिर उसके बाद देखते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता अंकल, पर खैर ये सब बताओ, हमारा हीआईची वापस आ गया, ये मेन है। ये बात, हमारा हीरो वापस आ गया, जिन नहीं थोड़ी है चिमिशिमा। ये मरता ही नहीं भैया, बहुत डेंजर। जिनको तो वो ली और लार्स उठा लेंगे, इसको बताओ यार कोई। यो आदमी बहुत ही खतरनाक है, मुझे पहले से इस पर संदेह था। ओके तो ये खबर फैला रहा है कि ये मर चुका है। ये कुमा भाई कहाँ की पैदाइश है, इसका मुंह देखो कैसा अजीब सा है, घोड़े जैसा। पर भाई मुंह जैसा भी है, बॉडी बहुत है इसके। वो तो हमारा एक नया चैप्टर। ओके तो ये 11वां चैप्टर है, तो आई थिंक वो फिर हमारा 9वां चैप्टर होगा, पता नहीं। खैर ये सब बताओ, हम फिर से इनकी बातें सुनते हैं थोड़ी देर, बकवास। और an opportunity like this may never present itself again. ore mo jin o koroshite yaritai omoi o omaji sa daga kono tatakai o owaraseraru no wa koitsu shika inai nda. It was as if Lars could read my mind. He explained that when Jin woke up, he would try to use Jin's power. Okay, to Lars chahta hai Jin ki taakatein istemal karke sari ladaiyan rokne ko, aur ye shayad ye jo doctor hai manhoos, ye doctor hai, writer pata nahi kya hai iska, mujhe narrator ka aaj tak role nahi samajh aa paya. Target wa Jisha no Millennium Tower ni mukatta to no koto. Mata Mishima Zaibatsu toshu shibou no hou ni yori Jisha no shouri wa kakujitsu da to sekai juu ga wakitatte orimasu. Koko made wa nerai dori ja na. ओके तो काफी जल्द हमें देखने वाला है डेविल को जूया वर्सेस अकुमा। आई थिंक मैं अकुमा ही रहूंगा शायद, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी वही था। देखते हैं हमें क्या लड़ने को मिलता है कैसे। तब तक इनके बकवास बातें फिर दोबारा सुनते हैं। ドクター・アベルが残した最強兵器がわしの勝利を世界へ轟かせるのじゃ。カズヤよ、豪気もろとも消し去ってくれる。चलो देखते हैं किसकी जिंदगी किसके हाथों में। But oh, Hiyashimishima is dead. खबर पहुंचा दी इसने भाई अपनी। How I, so I finally came. Okay, Akuma आ गया। अब देखते हैं इन दोनों में कौन जीतता है भाई। सीधा छत पे बुलवा लिया इसने, कहा टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं भाई, सीधा छत पे आओ, हाथापाई कर लेते हैं। ये कैसे खानदानी पेशा, मुझे आई थिंक नहीं, जिनके भी बाल शायद पीछे ही हैं, सबके बाल पीछे रखते हैं, पूरा खानदानी ऐसे हैं ये। उसकी छोटी कैसी है, लगता है गुलाब ऊपर लटका रखा है। उसने जान बचाई, गुंडा पाल लिया, बताओ एक बार मैं भी किसी की जान बचा लूं ऐसे भाई, खतरनाक आदमी नहीं। चलो अब देखते हैं हमें लड़ना किसकी तरफ से है पहले। ओके तो हम दोबारा से अकुमा ही हैं भैया, मुझे लगा था हम अकुमा ही रहेंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी हम यही थे, पर कोई नहीं, कहीं जूया का मुंह तोड़ दूंगा मैं। आजा भाई तेरी ऐसी की तेरी, मुझे तो लग नहीं रहा है, इतने बहुत मारा था मुझे आई थिंक, अब मार रहा है भाई, ये भी बहुत मार रहा है।
मैं जितनी बार कहता हूँ मुझे कुछ नहीं कर पाएगा उतनी बार वो मुझे ज़्यादा भयानक तरीके से मारते हैं, बट कोई नहीं, हम जीत तो जाएंगे आई थिंक। सब डोले देखो कितने खतरनाक हैं कुमा के। मैं क्या सोच रहा हूँ आज ये वीडियो जितनी लंबी बने इसको बना लेते हैं और ये पूरा आज मैं सोच रहा हूँ टेकन 7 स्टोरी मोड ख़त्म ही कर दूँ। आज मैं इसको ख़त्म करके मानूंगा क्योंकि मुझसे और वेट नहीं होता है कि मैं बार बार खेलूँ। मैं मुंह पे घुसा नहीं, मुंह पे नहीं। अब ये शैतान बनेगा मुझे लगता है। वो तो हियाइची क्यों नहीं बनता है शैतान, उसके पास भी तो पावर होगी ना भाई। ये कैसा कोट पैंट पहन के डेविल जिन सॉरी डेविल कजूया बना है ये। अरे भैया नंगा होके आप पूछ पूछ निकाल तब मुझे कुछ लगेगा शैतान। ये बस छोटे मोटे पंख निकाल के थोड़ी सी सींगे निकाल के कोट पैंट वाला डेविल है भैया ये। अभी ये कजूया ही लिखा है उधर डेविल लिखो तब समझ आता है कुछ। अरे मुझे नंगा करके मार रहा है ये तो। अबे लेजर वेजर ना है इसकी आंखों में कि मार सके। अबे पंख जब हैं तो उड़ ना भाई मेरे, उड़ के दिखा कुछ कर तो मेरे लिए करता कर सब। मैं फाइटिंग सीन में पता नहीं क्या ही घुसेड़ रहा हूँ। रुक जा भाई मैं मुंह तो तेरा तोड़ ही दूंगा। ये सैटेलाइट से पूरा मागोतोनी काज़मी वो जानते होता नो का मिशिमा काज़या का डेविल का शायद वीडियो फ़क्सू नो कैमरे दे तोड़ाए मास्टर। तो आईए काज़मी वा मो इनाई सबे ते वो वाट्टा कोटो साइशू शोनिन सिस्टम किडो। तो ये सैटेलाइट से फोटो दिखा के उसको बदनाम करके क्या कर लोगे भाई पारिवारिक। भाई साहब लेजर है इसमें, पूरी बिल्डिंग उड़ा दी ऐसी की तैसी कर दी भाई बिल्डिंग किसने तो। ओह भाई साहब ये तो मैं जितना सोचता था उससे कई गुना भयानक आदमी निकला। I couldn't take my eyes off the last broadcast. The sunset, हमारा चैप्टर 12. Next to me, Lee and Lars barked orders. मुझे लग रहा था कि वो लास्ट में खेल फुटेज दिखाकर अगर बाई चांस इनमें से कोई एक मर गया तो वो उससे लड़के उसको ख़त्म करेगा, बट ये भैया तो अलग ही दिमाग खेल गया भाई। The demon-like creature you see on your screens is apparently Kazuya Mishima, said to be controlling G Corporation from the shadows. World leaders are currently debating whether to believe. The reports just in that the creature has been subdued by the Mishima Zaibatsu. I'd long assumed this war was between humans. That my family... अरे यार ये आदमी अपनी फैमिली को लेकर झूठा पड़ा है, शुरुआत से इसने परेशान कर रखा है। अबे डेविल का दूजा बच गया है। और अकुमा भी तो भाई बच्चा होना, लेकिन आई थिंक वो इंसान था शायद और ये है साले शैतान। ये मरने का नाम नहीं लेते। सेकाई नो हाकेन वा सदे नी वाशी नो ते नी ओचिता। किसामारा वा मो फुयो दा। डियाबलो। We've yet to confirm whether the footage you're seeing is real. If it is, however, we're seeing the Mishima Zaibatsu is on the side of justice. Public opinion is turning against us. We're running out of options. मुंदई नहीं। कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, ये मुझे लग रहा है। अकुमा की काफी बुरी एंडिंग की भाई इन लोगों ने, थोड़ा और उसको या तो कहीं भेज देते बट ये खत्म ही कर दिया उसको। ये क्या कर रहा है, ये क्या सैटेलाइट में मार रहा है क्या भाई।
साहब इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। सैटेलाइट ही पूरी तबाह कर दी और फैलाओ। अब तुम उंगली करोगे किसी के तो वो दोबारा पलट कर करेगा ही भाई। अबे कितना बड़ा सैटेलाइट था भाई इनका। पूरी सैटेलाइट ही बर्बाद कर दी धर के। तो साले ये मरते नहीं है शैतान के औलाद। ओके तो हमारा चैप्टर 13 है त्रुथ। पूरा तरीके से बर्बाद कर दिया, कभी रिकवरी नहीं होगा। ओके तो आई थिंक अब हमें इसकी पुरानी स्टोरी पता चलने वाली है, सच्चाई आखिर क्या है, क्यों ये मारना चाहता है खजुया को और खजुया इसको, या पता नहीं क्या है, देखने से ही पता चलेगा वो। Zaibatsu downing their own satellite weapon and destroying an entire town left no doubt in my mind that this war was not between humans. The atrociousness of the fighting was inconceivable to the average person, and they soon forgot about Kazuya transforming into a devil, instead choosing to believe that the Zaibatsu were the antagonists. The concept of good and evil changed every day. What a world we live in. I was probably the only person on the planet not paying attention to the news. To me, evil was that which had taken everything away from me, and I couldn't rest until I put a stop to it. So I went directly to the Mishima Zaibatsu's headquarters and told them I would expose them for what they are. I knew I was risking my life just to be laughed off, but I couldn't stand by and watch the world descend further into chaos. Still, they paid me no attention. Bereft of all hope, I wandered around town aimlessly. But then, a man dressed in black approached me silently and told me that Heihachi had agreed to meet me. A few hours later, I was placed in a car and driven in a completely different direction than the Zaibatsu's headquarters. When I arrived at my destination, Heihachi Mishima was there waiting for me. Kisama, Mishima. चलो देखते हैं Heihachi Mishima क्या कह रहे हैं भैया। その情報は持ち合わせているのであろうな。At that time, I had no idea why Heihachi had suddenly agreed to meet with me. तुम्हारी टांगे चीरेगा वो भाई, मुझे पक्का लग रहा है। इसका मुंह देखो कितना खतरनाक लग रहा है। यह आज मार के मानेगा। इसको खत्म कर दे भाई। From Jinpachi Mishima to the family's connection to Kazumi Hachijo. The year you declared the establishment of the Mishima Zaibatsu was the same year your wife Kazumi passed away, and that your son sustained terrible injuries from falling off a cliff. To me, that sounds like one hell of a coincidence now, doesn't it? Oh, なるほど。ただの記者ではなさそうだ。よかろう。これから話すこと、そのすべてを世界に公表する。その約束が果たされるなら、तो चलो ये डिटेल्स अगर जर्नलिस्ट को मिलने वाली है, मतलब हमको भी मिलने वाली है। time, हम यही समझ कर देखते हैं आगे वीडियो को। To reveal everything on his behalf. But I was getting so close to the truth I'd long fought to uncover that I couldn't turn down this once in a lifetime opportunity. The devil's blood in Kazuya and the blood of Kazumi's family, the Hachijos, remains shrouded in mystery. I listened closely to every word. तो इसकी माँ शैतान थी, मतलब डायन। तो इसने डायन से शादी की, उसके बाद एक शैतान बच्चा पैदा किया, और सब तो फिर जिन के अंदर भी शैतान ही होना चाहिए।
真偽ともに己を追い込む孤独な世界。カズミは次第にわしにとって唯一無二の存在となっていった。息子のカズヤも生まれ、わしらは幸せじゃった。अभी तक तो इनकी कहानी में कोई मतभेद नहीं हुआ है, बहुत प्यारी जिंदगी चल रही है, तो ये मारपीट हुई कैसे? मुद्दे पे पहुंचो ना भाई। ये मारता भी तो इतना बुरा है भाई, आदमी अधमरा हो जाए। इसके अंदर का शैतान जाग उठेगा, देखना भी। कज़मी ये कैसी आंखें चमका रही भाई? अच्छा तो इतना बुरा मारोगे भाई तो आदमी तुमको मारने का सोचेगा ही। ट्रेनिंग की तरह थोड़ी लेता होगा ये। इस रिपोर्टर का मुंह हमें नहीं दिखाने वाले ये एंड तक। そしてある日अकेले ट्रेनिंग कर रहा है, पागल है क्या? उसकी बीवी उठाई। किसामा वा इज़रे सेकाई ओ ओबियाकास सोनज़ाई निनारु। नान नो युमे ओ मिते इरु। नहीं ये समझ नहीं आ रहा, बहुत मलयालम में बोल दिया दीदी ने। अबे भाई अब ऐसा करोगे तो यार आदमी आत्मरक्षा में तो मारेगा ही। ये देखो ये ट्रेनिंग हो रही है, कैसी ट्रेनिंग है मुझे नहीं समझ आ रहा है। भैया दीदी क्रिस हैं ये, लेडी क्रिस। चेसने इसको मार देंगे। अबे भाई तब तो सही गया भाई ये चीनी, मैं साथ में उसके। ओह शैतान लड़की, ये तो कुछ ज्यादा ही डेविल दिख रही मुझे। ऐसी पावरें मारेगी भाई तो आदमी मारेगा। अरे बहन जी रुक जाओ, मैं उठने नहीं दूंगा इसको, मैं ना उठने दूंगा ना ये मारेगी पावर। ओ भाई साहब भाई शेर निकाल लिए अंदर से। क्या क्या छुपा रखा है भाई धोती में? भाई यो औरत मुझे छोड़ने वाली नहीं भाई। ये तब तो फिर सही इसने मार दिया यार। आई थिंक सेल्फ डिफेंस में तो आदमी मार ही सकता है ना भाई। ये शेर कहाँ से निकाल रही है? रुक जा तेरा एक घोसा खा ले। अबे गायब ऐसे कैसे? फॉरगिव मी भाई, पहले मार दो। सच एन एंजल से सच ए डेविल हो गई। और भैया यूक लेजर कैसे मार रही है? ये सब ताकत है उसका जो, अच्छा उसके पास भी है शायद, उसने भी लेजर मारी थी थोड़ी देर पहले। ये शैतान हो के भी जीत ना पाई इससे, बताओ। मर गई क्या भाई एक ही घूंसे में? तब तो भाई फिर सही था यार, अब आदमी सेल्फ डिफेंस में तो मारेगा ही मारेगा। चलो कज़ुमी की भी मौत हो गई। तो इसने फिर बाद में जाके अकुमा को कैसे कहा ही आईची और उसको मारने के लिए? मतलब ये, अरे भाई साहब अभी भी हमला कर रही है ये। टांग दिया भाई इसने।
मार रहा है, ये भी नहीं समझ आ रहा है। भाई दया दिखा रहा है ये, मुझे नहीं लगता ये छोड़ेगा। अबे वो देख कैसे हमला करने वाली है। हाँ भाई सही किया, मार दिया वो। ये औरत मुझे लग नहीं रही थी छोड़ने वाली तुझे। छिटका दिया भाई इसने गर्दन। तो दीदी को लड़ना ही क्यों था भाई, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। ओके तो हमारा 14 चैप्टर है द पर्पस ऑफ बैटल। मैं भाई खत्म करके ही मानूंगा इसको आज। But why did you drop Kazuya off a cliff? तो चलो हमारी एक कहानी तो क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं कज़ुया को उसने क्यों फेंका था ऊपर से। हाँ सही बात है वैसे। उसके अंदर भी ताकत है, वो मरा थोड़ी भाई। यो मार के मानेगा चाहे तब चाहे अब। अबे तो कहानी, अच्छा कहानी नहीं सुनाने का बस हो गया। How do you know about that? Akame! Sama no koto nado touni chousozumi ja. Baku ni rasta shi. Main usko bekoo bana rahe hain. Go! Just let me know one thing. What does this war mean to you? किल्ली मार दी भाई इसके खोपड़ी पे, उठ ना पाएगा, गुद्दी तोड़ दी उसकी कसम से। ये लार्स भैया क्या कर रहे हैं हमारे। अच्छा नरेटर दोबारा बकवास शुरू करेगा, चलो सुनते हैं इनकी बकवास दोबारा। I had no idea where I was or what he was doing there. Lars said he'd received a message from the Zaibatsu telling him to come here. He bundled me into his car and then took me back to Violet Systems. As we drove back, Heihachi's words ran through my mind over and over. Why did he let me interview him like that? Why did he leave everything to me? And what was that mournful look in his eyes? Question upon question whirled through my mind, but not a single answer. Tatakai to wa saigo ni doshira ga tatte iru. Chise kiske fight hone wali hai? मुझे लगता है लास्ट फाइट तो होगी हेची वर्सेस कज़ुया। हाँ कज़ुया के बीच में। इस आदमी का भाई मुंह बंद ही नहीं होता, पता नहीं कितना बोलता है। ये जगह शायद मैंने देखी जो पोस्टर में, शायद यही लास्ट फाइट होगी हमारी हेची और कज़ुया के बीच। और बाकी तब तक इसकी बकवास सुनते हैं हम। ओके तो हम उसी जगह आ गए शायद। ये तो हमारी लास्ट फाइट शायद होने वाली है अब। अबे चारों तरफ लावे में टिके कैसे हैं? अच्छा वैसे भैया शैतान है ये लोग, बट ये तो इंसान है शायद। यही थी इसमें भी बिजली भैया, ये भी शैतानी है। वो तो हमारे हम ही आई थी उसके पास। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरी मैं पीठ जला दूंगा कसम से। इसी लावे में माइनक्राफ्ट होता अभी तक तो जल के मर के ख़त्म हो गया होता। तो जाना भाई, लेकिन उसका आदमी शैतान नहीं है, ये दरिंदा है पता नहीं। देख कौन कौन सी कहानी याद कर रहे हैं, लड़ लो ना चुपचाप।
मैं कहानी देखने लगता हूँ, फिर भूसा मार देता है मेरे मुंह पर आके। कमर टेढ़ी कर दी इसकी मैंने। मुझे लगता है कजूया जीतेगा कि हैची, आई डोंट नो, पता नहीं कौन जीतेगा। आपको क्या लगता है? अभी वीडियो रोको और जाके कमेंट में बताओ मुझे कौन जीतेगा इन दोनों में से। मैं मुंह पे नहीं, मैं बुढ़े में बहुत जान है तुम्हारे जैसे जवान लौंडों को पानी भर रखा उसने। भाई लेकिन सबसे ज्यादा बॉडी उसी की थी अकूमा की, भले वो इंसान था मर गया बहुत जल्द, लेकिन बॉडी सबसे ज्यादा उसी की थी। वो क्या रैक्षस निकाल रहा अपने अंदर का, नहीं तो अपनी अम्मा की तरह बरमुंडा ट्रायंगल बना दिया भाई साहब। जो कैसा मार रहा है। अच्छा अभी क्या इसने अपनी तीसरी आंख खोली है या शिव जी हो रहा है क्या भाई? तीसरी आंख खोल रहा है। कोई ना लड़ेंगे लड़ेंगे। अभी मेरा घुटना मुंह पे नहीं पड़ा उसके। ये लात नहीं भूलेगा, ये सीधा मुंह पे जड़ी मैंने। पीछे लावा है जाके गिर के मरना उसमें भाई। ये क्या कर रहा है? इतना बुरा मारेगा, थोड़ी तो इज्जत कर ले बाप की। तू क्यों नहीं मर रहा भाई? मैं भी तो मार रहा था ना इतनी देर से। अब ये पूरा शैतान बनेगा आई थिंक। वैसे मैं इतनी देर से सोच काफी रहा हूँ, आई थिंक करके बट हो कुछ नहीं रहा। ये बना अब भाई पूरा ये शैतान। इसके अंदर भी पावर है, ये भी शैतान। ये क्या चिल्ला के कपड़े फाड़ लिए अपने? इसने शैतान तो बना नहीं है। मैं बीच में भी क्या चार आंखें हो गई इसकी? वैसे इसके पंख में भी काफी आंखें हैं। अब दिखाइए थोड़ा खतरनाक। भाई जिन तो इसमें उठा ही नहीं, जैसे उसकी मौत ही हो गई एकदम। ओए ओए क्या कर रहा? ये क्या था भाई? अबे ये गायब आया, टेलीपोर्ट मत करो भाई, ऐसी चीटिंग नहीं होगी मेरे साथ। ओ भाई साहब, इसकी भी जाहिर पावर है। इतना गंदा कौन मारता है यार? मार के तो मैं रहूंगा, मेरे को तो मैं ये भी नहीं कह सकता हटाओ अच्छा रहने दो। अंदर से फाड़ के निकल गया मुझे ये। मैं लौंडे ऐसे कैसे गंदा मार रहा इतना? चारों पांचों तरफ से पावर मार रहा है। अब तो ये नहीं बचने का शायद, वैसे बच भी सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं जब वो अकूमा से मर गया क्या ये? अभी भी जिंदा है भाई। अबे ये भी शैतान है मुझे लगता है भाई। ऐसे कैसे ये इतनी पावर से लेजर से बच गया? ये क्या निकल रहा है? बस इतनी ही पावर थी, मुझे लगा ये भी शैतान बन रहा है। हद है यार।
मैं मुंह तोड़ दूंगा आज तेरा, रुक जा। तो रुक जा मेरे भाई, शांत हो जा थोड़ा। कहां पड़ गया ये भाई, लेजर वेजर ना मारियो अब देखो। अरे भाई साहब, अभी खून बहा रहा है भाई अपना, ये चीटिंग कैसे? मतलब एक तो पहले ही मेरी हेल्थ जीरो बराबर दी है, उसके बाद वो अपना खून भी बढ़ा रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं मरना नहीं, मुझे मरना नहीं, मुझे मरना नहीं है। तेरा मैं मुंह फाड़ दूंगा बेटा, ये सींगे जो है ना तेरी, हटाओ, समझ जाओ तुम लोग कहाँ डाल सकता हूँ मैं। तो ये खून क्यों बढ़ा रहा है अपना नाक पीता, हराम खोर, खत्म कर। ओ भाई, ये भाई का अच्छा, इसकी पावर मुझे लगता नहीं है ज़्यादा खींचता है भाई। मेरी कमर नहीं तोड़ दी, आ बात हो खोपड़ी से इसकी सींगे तोड़ दे। ऐसी तैसी करती भाई साहब ये जी ने। अबे जब तुम शैतानी ताकतें लेके भी उससे नहीं जीत पा रहे हो तो क्या लड़ोगे फिर? औकात पर ले आए ये। मुझे देखना है एट द एंड जीतेगा कौन। तोड़ दिया भाई साहब एक दूसरे ने। अबे लड़ पा नहीं रहे हो तो घर जाओ भैया, खा पी के आओ, ताकत बढ़ाओ, उसके बाद लड़ो। ज्वालामुखी फट रही है, दोनों की भी फट रही है, पर लड़ेंगे जरूर भैया। लाल सॉरी, खा पी आओ घर से जाके, फिर कल लड़ना। इसको पक्का वो मिल गई, वो क्या होता है कमजोरी, वो इसका इंग्लिश वर्ड मुझे पर याद नहीं आ रहा है, कमजोरी मिल गई। यही मार मार के ख़त्म कर देगा ये। अबे कमजोरी मिल गई कि ताकत मिल गई उसकी? वैसे बॉडी इसमें इसकी सबकी इतनी भयानक भयानक बना रखी है, ये तो जवान हो गया। अबे ये तो टेकन थ्री की सारी पुरानी कहानी आज ही याद करके मारेगा इसको। देखो मैंने कहा था इसका वीक पॉइंट मिल गया इसको, यही मार मार के खत्म करेगा ये। तो लास्ट में कजुया जीतेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, कभी भी कोई भी जीत सकता है वैसे, बट जैसा दिखा रहे मुझे लगता है लास्ट में कजुया जीतेगा। ये पक्का लावा में उठा के फेंकेगा इसको, देखना मुझे लग रहा था यही सीन होंगे। ततकाई तो साइगो नी दोचिरा गा तत्ते इरु का सोरे दाके दा। चलो जो मुझे लग रहा था नहीं होना चाहिए वही हो गया, तो हमारा हियाची आखिरी में मर गया, वही सेम सीन हो गया जो हियाची ने इसके साथ किया था।
और ये हमारा नरेटर अभी तक अपनी बकवास जारी रखा है, पता नहीं कितनी देर बोलेगा ये मनहूस आदमी। सारी कहानियां इसने अपनी टाइप कर ली इसमें, तो मुझे लगता है ये हमारा लास्ट चैप्टर ही होना चाहिए, इसके बाद गेम ख़त्म ही होगा, क्योंकि हियाची ख़त्म हो गया, अब वो जिन चलाएगा आई थिंक, और दूसरा वाला उसका बाप का जूया। ख़त्म तो होगी भाई लड़ाई, और कितनी ख़त्म कराओगी, हियाची मर गया और क्या चाहिए, वैसे नीना जिंदा थी ना, हाँ नीना जिंदा है, इसका मुंह अभी तक नहीं दिखाया इसने, और मुझे नहीं लगता है कभी दिखाएं। ओके तो चलो हमारे स्टोरी मोड यहाँ ख़त्म हो गया, तो हम अपनी वीडियो को भी यहीं ख़त्म कर लेते हैं। तो चलो भाई लोग फिर आज की वीडियो में मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले गेम वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।